तो गाइस किरियाना बिजनेस करना है और बजट बहुत कम है तो कैसे करें, तो बताता हूं मैं आपका होस्ट रवि रविंदर। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं किरियाना बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों देखो, मेरी दुकान है, जैसे मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया था कि मैंने नई दुकान खोली है लॉकडाउन के बाद। अब लॉकडाउन के बाद दुकान खोली है, ये भी रिस्क था कि चलेगी या नहीं। मैंने आपको बताया कि मेरी दुकान बढ़िया चली है, मेरा काम चल गया, रोजगार चल गया मेरा मतलब। अब मेरे कई सारे भाइयों के कमेंट आए हैं मेरे पास, बोले कि भैया हमारा बिजनेस चलेगा नहीं, कहाँ दुकान करे, कैसी दुकान करे। उसी टॉपिक के बारे में मैं आज आपसे बताने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। देखो दोस्तों, आपके पास मैं ज़्यादा नहीं कहता 20 से 30 हज़ार रुपये काफ़ी है एक दुकान चलाने के लिए। आप पूरा दुकान को मतलब इसमें भरिए मत कि भाई आपको 30 हज़ार रुपये में पूरी दुकान भरनी है। आप कर क्या सकते हैं 30 हज़ार रुपये में, ये आपको सबसे पहले जो आइटम है हमारा तोलने का कांटा तराजू, ये तो ज़रूर लेना होगा आपको, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। आपके घर पे फ्रिज होता है छोटा, आप, मैं नहीं कहता कि आप ये डीप फ्रिज लीजिए, आप अपने घर का फ्रिज इसमें यूज कर सकते हैं। नंबर दो, ये दो चीज़ें मेन हैं आपके लिए, अगर शुरू शुरू में स्टार्टिंग करनी है तो ठीक है, आपको लगे आपका काम चल गया उस फ्रिज को बदल के आप डीप फ्रिज ले सकते हैं। अच्छा रहा सामान की, मैं नहीं कहता कि मेरी तरह ये पूरे हर खाने ये भर के रखेंगे आप थोड़ा थोड़ा करके लीजिए, जैसे मेरे पास पूरा एक एक कट्टा है, आप कम ले लीजिए, 10 पीस ले लीजिए, 15 पीस ले लीजिए। जैसे शुरुआत मैंने की थी, मैंने ऐसे ही शुरुआत की थी, 20 हज़ार रुपये का सामान लाया था। धीरे 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 अपने आप जुड़ता जाएगा, जो सेविंग होती है उसमें घर का खर्च भी निकलता है और सामान भी जुड़ता रहता है। अब करना क्या है आपको, आपको कुछ ऐसी लोकेशन ढूंढनी है जिसमें आपकी दुकान चल सके, समझ रहे हैं मेरी बात को। लोकेशन कैसी, मतलब कि जैसे नियर बाई आपके कोई दुकान ना हो, कम दुकान हो, अगर हो तो कम हो। अच्छा ये रहेगा कि कहाँ आपके पास में दुकान ना हो, किराए पे दुकान लेनी है, अगर आपकी दुकान अपनी है तो बेस्ट है, अगर किराए पे लेनी है तो मैक्सिमम 2 से 3 हज़ार से ऊपर मत लेना। अच्छा उसके बाद उससे ये डिसाइड ज़रूर कर लेना कि भैया मैं दुकान 2 या 3 साल से पहले खाली करने वाला नहीं हूँ, कल को अगर दुकान चल जाए तो वो खाली ना करा ले। उसके बाद करना क्या होगा आपको, 20 हज़ार रुपये 25 हज़ार रुपये से ऊपर का माल नहीं भरना, जैसे मैंने आपको बताया है। और उसके बाद 20-25 हज़ार रुपये का माल भरने के बाद आपको धीरे धीरे नॉलेज भी होगी दुकान के माल के बारे में, कहाँ से सामान आता है कहाँ जाता है। एक दिन आपका काम ऐसा चलेगा 20-25 हज़ार रुपये का आप रोज माल लाओगे, और मैं इसको आपकी बजट बता देता हूँ आपको कितनी सेविंग होगी, 15 से 20% का मार्जिन आपको किरियाना के बिजनेस में, 15 से 20% का। कुछ आइटम ऐसा है जो 5% का होता है, लेकिन कुछ आइटम ऐसा भी है जो 20 से 30% का मार्जिन देता है। तो गाइस वीडियो होगी काफ़ी लंबी, और दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्या क्या, पूरी लिस्ट देऊंगा मैं, पूरी लिस्ट मेंशन करूंगा 20-25 हज़ार के बजट में आप क्या क्या आइटम ले सकते हो, मैं एक एक आइटम का नाम लिख के दूंगा, जितने भी आइटम है, मतलब जो आइटम ज़रूरी है किरियाना की दुकान पर रखने के लिए, वो लिस्ट मैं आपको लिख के दूंगा अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।